अजय नमस्कार, मैं अमित दानी जी। देखिए, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ एक नई रेसिपी बनाने का। ये खाले मसाले में कुछ नहीं है, ये साबुत मिर्चा है और कैश्यू है। इसको मैं सौटे कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सौटे हो गया है। और ये चिकन का रेसिपी है, थोड़ा अलग टाइम में है। और मैं आपको, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, नाम बताऊँगा बाद में। और मैंने चिकन को जो है मैरिनेट किया हुआ रखा हुआ है। ये चिकन है, करीब करीब हाफ के जी से ज़्यादा ही होगा करीब करीब। ये चिकन में मैरिनेशन में मैंने आपका ये डाला हुआ है, जिसमें गार्लिक पेस्ट और हल्दी, पिसा मिर्चा, थोड़ा नमक और धनिया पाउडर एंड थोड़ा कुकिंग मीडियम का ऑयल भी डाला हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट द चिकन पार्ट। ये मेरा ये वाला पार्ट हो गया। मैं इसको बंद करता हूँ और इसको मैं इसका भविष्य क्या होगा वो आप खुद ही देख लेंगे। ओके, ये टमाटर को, दो टमाटर है और टमाटर प्यूरी बनाने के लिए मुझे टमाटर प्यूरी बनाना पड़ेगा। तो प्यूरी बनाना बहुत आसान है और इसमें एक थोड़ा सा मैंने एक मिर्चा डाल दिया है, दैट्स ऑल। अब देखिए, जो मैंने आपको वो दिखाया था साबुत लाल मिर्च और कैश्यू, उसको एक्चुअली पूरा पेस्ट बनाने से पहले जो पहले का स्टेप है वो मैंने किया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डालूँगा, फिर पेस्ट बनाऊँगा। ओके, अब देखिए दोनों ही काम हो गया, ये टमाटर प्यूरी वाला काम भी हो गया है और आपका वो पेस्ट भी बन गया है जो मैंने बताया था। ओके, अब मैं आगे बढ़ूँगा। ये थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने एक स्टेप मैं पीछे था। एक्चुअली क्या है कि इसमें जो मैंने पेस्ट किया था, इसमें थोड़े खड़े मसाले भी जानने चाहिए। और इसमें खड़े मसाले में जो है साबुत काली मिर्च है, दालचीनी है, छोटी इलायची है और लौंग है। ये भी इसके साथ में पीसना है, जो कि साबुत लाल मिर्च है और कैश्यू है जो सॉटे किया हुआ है। तो चूंकि लाइट की वजह से मैं रुका हुआ था, अब लाइट आ गया है, आई एम प्रोसीडिंग फॉर दैट। अब ये जो है, ये हमारी जो वीडियो कर रही है वो काम ही नाम इसका पड़ बहुत इंटेलिजेंट होती है। इसको ऑयल है मैंने डाला हुआ है, ना भी बोल रहे यहाँ तक ऑयल है। और ये कटे हुए प्याज है और ये लहसुन है। और जैसा मैंने बता दिया, प्यूरी है और जो बाकी मैंने पेस्ट बना दिया था। अब मैं इसमें, अब मेरा ऑयल करीब करीब गर्म हो गया होगा, तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लूँगा, मैं थोड़ा जीरा डालूँगा। जीरा जो है डालने के बाद में मैं इसमें लहसुन डालूँगा। ओके, और ये चिकन का ही रेसिपी है, आप लोग चिकन बिल्कुल खाते होंगे। और लेकिन चिकन को थोड़ा थोड़ा सा अलग ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा गुआनीज टच है, अब गुआनीज टच कितना है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू बिल्ड इट अप। तो क्या होगा नहीं होगा, इसके बाद में मुझे प्याज डालना है। और हल्का ब्राउनिश होने के बाद में प्याज कटे हुए हैं और मैं ये डालूँगा। और मैं आप लोग बराबर में इस तरह के अब YouTube के लिए ये रेसिपीज ला रहा हूँ, मेरा पैशन है कुकिंग का। और मैंने पहले भी पूछा है कि आप लोगों से, कई लोग कहते हैं कि मुझे देसी मुर्गा खाने का बहुत शौक है और हम लोग तो नॉर्मली चिकन ब्रॉयलर वाले आते हैं। लेकिन जो लोग देसी मुर्गा की बात करते हैं, मेरा एक प्रश्न है उनसे, क्या खाना बनने के बाद जब खाना बन जाए तो क्या वो बता देगा ये देसी मुर्गा था ये ब्रॉयलर का था? हमारे ख्याल में बहुत मुश्किल था। अगर जो बता दे, नमस्कार, लेकिन बताना बहुत मुश्किल है। लोग ये नहीं बता पाते कि पनीर की सब्जी है कि टोफू की है कि सोयाबीन की पनीर है। तो ये बड़ा
मजेदार चीज होता है। मैं हमेशा बता दूं, खाना बनाना शौक की बात होती है, खाना खाना आग की बात होती है। अब इसी में प्याज डाल रहा हूँ, अब करीब 3-4 प्याज है जो कटे हुए हैं, और प्याज ज़्यादा होगा तो मैं नहीं डालूँगा, लेकिन थोड़ा प्याज बचा के करूँगा फिर। तो मैं प्याज डाल देता हूँ और ये बन जाएगा, के बाद में प्याज को फ्राई करता रहूँगा और आपको मैं स्टेप बाई स्टेप बताता रहूँगा। और कामिनी हमारी वीडियो कर रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कामिनी दोबारा आएगी, क्या आएगी मुझे नहीं मालूम। अब मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज करूँगा, फिर दोबारा आऊँगा। ओके, मेरा जो है वो जो प्याज है गोल्डन ब्राउन की तरफ बढ़ रहा है करीब करीब। हम आउटर में है गाजियाबाद में खबर में, तो आपका ये गोल्डन ब्राउन की तरफ हो रहा है, इसका ऑयल भी छोड़ रहा है ये। ओके, तो कल ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आई कैन गो अहेड विद दैट। और इसमें मैं प्रेस्टीज पैन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी मैंने चिकन का जो डिश है उसका रेसिपी है ज़रूर, अभी मैंने नाम नहीं बताया कि उसका क्या नाम है, तो मैं नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं चिकन जो मैरिनेट किया हुआ मैंने डाल दूँ। ये मैंने चिकन डाल दिया, अब ये चिकन डाल दिया है और चिकन को मैं जला रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं कि मैं आज जो चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ किसको डेडिकेट करके बना रहा हूँ। आज 23 जुलाई, और 23 जुलाई जो है किसका जन्मदिन होता है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आज दो शख्सियत नहीं, 3 शख्सियत का जन्मदिन, और भी कई लोगों का जन्मदिन होगा, लेकिन दो बहुत बड़े शख्सियत का जन्मदिन है। एक तो है चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक को डेडिकेट करना मुश्किल होगा क्योंकि वो तो शाकाहारी रहे होंगे ज़रूर, और बट आज़ाद का मैं नमन कर सकता हूँ आज़ाद को, इसलिए ये चिकन डेडिकेटेड है आज़ाद जी के नाम पे, इसलिए रेसिपी का नाम है आज़ाद चिकन। ये आज़ाद चिकन रेसिपी है और आज़ाद चिकन के नाम से ही रेडिकेट किया हुआ है, और मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद आपको वीडियो को देखिएगा। चिकन जो है वो मेरा चिकन आज़ाद तैयार हो रहा है, बिल्कुल बड़े जोश में है। मैंने इसमें लाल मिर्चा पाउडर डाला है, थोड़ा हल्दी डाला है, मैंने नमक पहले भी डाला था लेकिन कम डाला था, फिर मैंने नमक डाला है और धनिया पाउडर डाला है। अब ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर वापस आऊँगा। ये जो मैंने बताया था आपको साबुत लाल मिर्च, कैश्यो और खड़े मसाले, उसका पेस्ट चाहिए और इसको मैं डाल रहा हूँ उसमें, और इसको डालने के बाद में ये डाल रहा हूँ, और इसको डालने के बाद में मैं इसमें जो टमाटर प्यूरी है उसको मैं डालूँगा। ये टमाटर प्यूरी है, ये टमाटर प्यूरी मैंने डाल दिया। ओके, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके।